हुण इस नूं कुदरत दा अजूबा कहो या फिर बेईमान लोकां वल्लों सरकार दे नाल कीती जा रही ठगी। सरकार वल्लों चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ते नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना नाल जुड़े गरीब अते लोड़वंद परिवारां दे मासूम बच्चों के मूँह चो बुरकी खोण लई सालां पहलां मर चुके लोग भी सरकारी कणक का लाभ लैण लई पंजाब भर के राशन डिपुआं ते पहुँच रहे ने। उक्त हैरान कर देने वाला खुलासा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार वालों करवाई जा रही राशन कार्डा की रीवेरीफिकेशन दौरान होया। होर तो होर राशन कार्डा की जांच कर रहे प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह दंग रह गए ने, क्योंकि जिस तरह का सच या मौजूदा समय दौरान सामने आया वह मामला अपने आप के एक बुझारत बन के रह गया। जानकारी मुताबक जिमें जिमें राशन कार्डा की जांच का काम चल रहा है उस तरह अधिकारी मुलाजम हैरान परेशान होंगे जा रहे हैं, क्योंकि जांच दौरान कदे अजिहे परिवार भी सामने आ रहे ने जो हर साल हवाई जहाज का सफर कर विदेशों की सैर करते हैं, सरकार नू हर साल भारी टैक्स अदा करते हैं, पर बावजूद इस दे राशन डिपू से मिलने वाली 2 रुपए किलो और मुफ्त च मिलने वाले सरकारी अनाज को हथियाने लिए सोची समझी साजिश तहत फर्जी दस्तावेजा सहारे खुद को गरीब दिखा के अपनी सालाना आमदन 60,000 रुपए हर महीने शो करके दोवें हत्थों सरकार गरीब परिवारों को लुट्टन च लगे ने। इतने दसना जरूरी होगा सूबे के ज्यादातर जिले हुण तक राशन कार्डा की रीवेरीफिकेशन का काम है जो पूरा नहीं होया, बावजूद इसके हुण तक करीब 1 लाख तो वध राशन कार्ड अयोग पाए गए हैं जो फर्जी दस्तावेजा अते सियासी दबाव कारण पिछले कई सालों तो सरकारी योजनावां का लाभ लै रहे थे।